गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, टुडे आई विल टीच यू सोशल स्टडीज़। कल मैंने इसका लैंड ट्रांसपोर्ट टॉपिक पढ़ा था और आज हम बात कर रहे हैं वाटर ट्रांसपोर्ट की। ये आप लोग देख सकते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट। अब आइए हम इसको पढ़ते हैं, अच्छे से रीड करते हैं, और अगर आपके पास बुक है तो आप लोग मेरे साथ ही अपना बुक ओपन करके साथ में ही पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। Long before the invention of steam engine, people used boats, rafts and ships move at a slow speed. जब स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ था, मतलब स्टीम इंजन के आविष्कार के पहले लोग क्या यूज़ किया करते थे? नाव, नाव और एक लकड़ी का बेड़ा होता था, सीप्स की चाल, उसको क्या करते थे? धीमी गति से चलाते थे। स्टीम इंजन विच वॉज इन्वेंटेड बाई जेम्स वॉट इन 1769 चेंज एवरीथिंग। जेम्स वॉट जो थे उन्होंने क्या किया था? स्टीम इंजन का आविष्कार किया था, और कब किया था? 1769 में, और सब कुछ बदल गया। बोट्स स्टार्टेड रनिंग ऑन स्टीम जनरेटेड पावर। और स्टीम जनरेटेड पावर मीन्स क्या है? कि जो नाव थे वो स्टीम से चलने लगे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास जो इन्वेंस उसका दिखा रहा है यहाँ पे पिक्चर, ये राफ्ट्स, ये लकड़ी के बेड़े हैं, इसी से पहले चलता था, फिर मोटर बोट एंड फिर शिप। नेक्स्ट है नीचे हमारा, लेटर लार्ज शिप्स वेयर फिटेड विथ डीजल अवर स्टीम इंजन। बाद में क्या हुआ? बड़े जहाज़ों को स्टीम इंजन डीजल के साथ चलाया गया। इट इम्प्रूव द स्पीड ऑफ द शिप्स, जहाज़ों के गति में बहुत सुधार हुआ। नोवा डेज वी हैव हक शिप्स दैट कवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड कैरी गुड्स क्रॉस द वर्ल्ड। आजकल क्या है, हमारे पास विशाल जहाज़ है, बहुत बड़ा जहाज है, और जो दुनिया भर में माल ले जाते हैं। बिसाइड दिस देयर आर मोटर बोट्स, फेरीज एंड याक्स टू। इनके बगल में क्या होते थे? मोटर बोट के घाट होते हैं और नौका भी होते हैं। मैनी कैनल्स, हार्बर्स एंड पोर्ट हैव बीन मेड फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। जल परिवहन के संचालन के लिए कई नहरों के लिए बंदरगाह और पोर्ट बनाए गए। आई होप आपको ये हमारा पार्ट 4 समझ में आ गया होगा, और आप जो है इसे अच्छे से फिर से रिवाइज करेंगे। और आपका ये होमवर्क है इसी चैप्टर का है, फिल इन द ब्लैंक्स। आप इसे अपनी SST कॉपी में राइट करेंगे। थैंक यू।